इतने मीडिया और जर्नलिस्ट वाले हैं, इनको कभी भी आयरनी, पैरोडी, सैटायर, सार्केज्म कभी समझ नहीं आएगा। द रैपर एंड इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हु अपलोडेड एन इनसेंसिटिव रैप वीडियो मॉकिंग द विक्टिम्स ऑफ पुणे। अब जिसने भी रैप सुना उसको पता होगा कि मैंने विक्टिम्स का तो नाम कहीं लिया ही नहीं। पहले इन्होंने मुझे क्रिमिनल बताया क्योंकि इन्हें पैरोडी समझ नहीं आई। फिर इन्होंने बोला कि मैं विक्टिम्स का मजाक उड़ा रहा हूँ। दोनों वीडियो से मैंने विक्टिम्स का नाम लिया, ना मैंने उन्हें मॉक किया, मैंने सिचुएशन के बारे में बात करी। रैप में मैंने कितनी सारी चीजें मेंशन करी थी, उम्र, पैसा, नशे, पॉर्च, एक दिन में मिली बेल, और इन लोगों को क्या देखा कि मैंने विक्टिम्स को मॉक किया है। बेल मिल गई इतनी आसानी से तो इंसान तो अपनी गलतियां दोबारा दोहराएगा ही ना। तभी तो मैंने बोला फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल। जब इतनी जल्दी मिल गई बेल तो ऑब्वियसली वो दोबारा से सड़क पे खेल दिखाएगा, क्योंकि तुमने उसको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं दी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ देखा मॉक एंड रिडिक्यूल द विक्टिम्स ऑफ पुणे। फिर नीचे लिखते हैं ये ही ऑल्सो अपलोडेड अ वीडियो अब्यूजिंग मीडिया। अब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे तो कौन गालियां नहीं देगा तुम्हें। इतना इनफ नहीं था, इन्होंने मेरे कंटेंट को लेके बोला कि किर्गिस्तान टू ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ अपलोडिंग एक्सट्रीमली ऑफेंसिव वीडियोस। मैं पब्लिक वीडियोस बनाता हूं, मैं पब्लिक में अगर गाली दूंगा या मैं किसी को ऑफेंसिव चीज बोलूंगा तो वहां पे उस पॉइंट पे बैकफायर करेगी। आई मेक इम्प्रूव वीडियोस बट आप अनपढ़ हो तो आपको तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा। व्हाई यू गाइज आर क्लेमिंग मी एज द मोस्ट डेंजरस कंटेंट क्रिएटर। कितना पैसा खिलाया तुम्हें, और वहीं मैं हूं जो कितने टाइम से लोगों को फ्री में हंसाता आ रहा हूं। मैं खुद का मजाक उड़ने देता हूं ताकि सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और आप दूसरों की जिंदगी का मजाक उड़ा देते हो ताकि आपकी जेब में थोड़ा पैसा आ जाए। पैसा तो खूब आ जाएगा ईमान बेच के, पर चैन की नींद कहां से लाओगे? कभी किसी आम आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बन पाओगे।